क्या हुआ जब कुंभकर्ण का बेटा मुल्कासुर आया अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने। श्री राम भी युद्ध में मुल्कासुर जैसे राक्षस को क्यों नहीं हरा पाए। हिंदू धर्म के सबसे पौराणिक और ऐतिहासिक धर्म ग्रंथ रामायण के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन रामायण काल से जुड़ी कुछ ऐसी कथाएं भी हैं जिन्हें शायद कोई नहीं जानता होगा। ऐसी ही कथा है कुंभकर्ण के बेटे मुल्कासुर की, जो भगवान श्री राम से अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने आया था और राजा राम ने नहीं बल्कि माता सीता ने एक बाण चलाकर उसे उसके जीवन से मुक्त किया था। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें और वीडियो बनाने में हमारा हौसला बढ़ाएं, ताकि हम ऐसे ही इतिहास की नई नई रहस्यमय जानकारियां आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए जानते हैं कुंभकर्ण के बेटे मुल्कासुर के बारे में। दरअसल यह बात राम और रावण के बीच युद्ध समाप्त होने के बाद की है, जब भगवान श्री राम का राज्य अभिषेक हो रहा था। जब भगवान राम लंका का राजभार विभीषण को सौंप कर माता सीता और लक्ष्मण के साथ में अयोध्या लौटकर राजपाट संभाल रहे थे, तभी भगवान श्री राम के राज्यसभा में विभीषण पहुंच गए। विभीषण डर के मारे कपकपा रहे थे और बहुत ही डरे हुए और भयभीत लग रहे थे। भगवान श्री राम के पास पहुंचकर वह अपने प्राणों की रक्षा की गुहार लगाने लगे। वह कहने लगे, हे प्रभु, मुझे मुल्कासुर से बचाइए। लंका में कुंभकर्ण का पुत्र मुल्कासुर तबाही मचा रहा है। ना ही वह लंका को छोड़ना चाहता है, ना ही वह उनके जीवन को छोड़ना चाहता है। तब भगवान श्री राम विभीषण को परेशानी में देखकर चिंतित हो गए और उन्हें धैर्य रखने के लिए कहा। विभीषण शांत होने के बाद भगवान श्री राम को पूरी बात बताने लगे और कहा, प्रभु, आपने युद्ध में रावण समेत सभी राक्षसों का वध कर दिया, लेकिन कुंभकर्ण का एक बेटा अभी भी जीवित है। यह बहुत ही अशुभ मूल नक्षत्र में पैदा हुआ था, इसीलिए उसका नाम मुल्कासुर रखा गया था। मुल्कासुर के पैदा होते ही कुंभकर्ण उसे मारना चाहता था, लेकिन रावण के समझाने पर उसने अपने इस पुत्र को अशुभ मानकर घने जंगलों में छोड़ दिया था। मुल्कासुर का पालन पोषण उस जंगल में हुआ था। मुल्कासुर जब बड़ा हुआ तो उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे अमृत का वरदान मांगा, लेकिन जब ब्रह्मा जी ने उसे अमृत देने से मना कर दिया तो उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु किसी ऐसी स्त्री के हाथों हो जो आजीवन पवित्र और पतिव्रता रही हो। इस वरदान के बाद ब्रह्मांड में कोई भी पुरुष उसे मार नहीं सकता और वह अपने इसी वरदान के कारण भयानक उत्पात मचा रहा है। अब जब उसे जंगल में यह पता चला कि आपने उसके पूरे परिवार को मार दिया है और उसके पिता कुंभकर्ण को भी मार दिया और लंका को जीत लिया है और राजपाट मुझे सौंप दिया, तो वह क्रोध में बौखलाया है और उसने घोषणा की है कि वह पहले मुझे मारेगा, उसके बाद श्री राम को। इससे पहले जिस दिन भगवान श्री राम ने विभीषण को लंका का राजपाट सौंपा था, उसके कुछ दिनों बाद ही मुल्कासुर पाताल लोक में पहुंचकर वहां के लोगों को अपने साथ मिलाकर लंका के राजा विभीषण और लंका पर आक्रमण कर दिया। विभीषण ने 6 महीनों तक वीर योद्धा की तरह मुल्कासुर का सामना किया, लेकिन ब्रह्मा जी के वरदान से वह इतना ताकतवर बन गया था कि कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था और मजबूरन ही विभीषण को लंका छोड़ना पड़ा और वह अपने मंत्रियों और स्त्रियों के साथ किसी प्रकार से सुरंग से होकर भगवान श्री राम के पास मदद के लिए पहुंच गए। मुल्कासुर ने लंका पर आक्रमण करने से पहले उसने घोषणा की थी कि सबसे पहले वह धोखेबाज विभीषण को मारेगा, उसके बाद अपने पिता का वध करने वाले भगवान श्री राम को मारेगा। और लंका में विभीषण को नाम पाकर मुल्कासुर ने अयोध्या आने की ठान ली थी। अब लंका और अयोध्या दोनों खतरे में थी। ऐसे में भगवान श्री राम ने हनुमान, लक्ष्मण और पूरी सेना सहित पुष्पक विमान लेकर श्री राम लंका पहुंचते हैं।
राम पे पहुंचते ही मुल्कासुर ने अपनी सेना लेकर उन पर आक्रमण कर दिया। लगातार 7 दिनों तक भयानक युद्ध के बाद भी कोई परिणाम नहीं निकला और मुल्कासुर अकेले ही भगवान श्री राम की सेना पर भारी पड़ रहा था। मुल्कासुर को ना तो भगवान श्री राम हरा पाए, ना लक्ष्मण को, ना ही हनुमान। मुल्कासुर को हराना बेहद ही कठिन होता जा रहा था। युद्ध को अपने पक्ष में ना जाते हुए देख श्री राम चिंता में आ गए। विभीषण के जरिए भगवान श्री राम को पता चला कि इस समय मुल्कासुर तंत्र साधना करने एक गुफा में गया हुआ है और उसी समय ब्रह्मा जी ने आकर श्री राम को यह बताया कि उन्होंने मुल्कासुर को स्त्री के हाथों मरने का वरदान दिया है, तो वह खुद उसे नहीं मार सकते। इसके अलावा जाते जाते ब्रह्मा जी ने भगवान श्री राम को यह भी बताया कि जब रावण के कुल के कुंभकर्ण सहित सभी लोग युद्ध में मारे गए थे, तब मुल्कासुर ने दुखी होकर मुनियों के बीच में यह कहा था कि चंडी सीता के कारण उनके कुल का नाश हुआ है और माता सीता के इस अपमान को सुनकर ऋषियों ने उसे श्राप दिया था कि दुष्ट जिन माता सीता को तूने चंडी कहा है, वही माता सीता तेरी मृत्यु का कारण भी बनेगी। तो अब केवल माता सीता ही इसका वध कर सकती हैं, इसीलिए अब उसके वध के लिए माता सीता को लंका आना ही होगा। यह जानकर भगवान श्री राम ने गरुड़ और हनुमान को तुरंत ही पुष्पक विमान के साथ सीता को लाने के लिए अयोध्या भेजा। यह संदेश सुनकर सीता जी तुरंत वहां से चल दी और भगवान श्री राम की आज्ञा से उनके शरीर से एक दूसरी तामसी स्वरूप निकल पड़ी, जिनका स्वरूप बहुत ही भयानक था। यह छाया सीता लंका का काल बनकर लंका की ओर बढ़ने लगी। वही राम की सेना ने मुल्कासुर के गुप्त गुफा में जाकर उसकी तंत्र साधना को भंग कर दिया। यह देखकर बड़े ही क्रोध में मुल्कासुर युद्ध भूमि में आ गया और युद्ध में माता सीता की छाया चंडी को देखकर गरज कर कहने लगा, मैं स्त्रियों से युद्ध नहीं करता, तुम यहाँ से चले जाओ। तब माता सीता ने उससे कहा, मैं तेरी मौत चंडी हूँ। ऐसा कहकर फिर माता सीता चंडी रूप में और मुल्कासुर के बीच में भयंकर युद्ध होने लगा। मुल्कासुर और माता चंडी कई सारे दिव्य अस्त्रों को एक दूसरे पर छोड़ रहे थे। आखिर में चंडी सीता ने चंडिका अस्त्र चलाकर मुल्कासुर का वध कर दिया। अब आप यह तो समझ सकते हैं कि मुल्कासुर कितना शक्तिशाली था, जिसने अपने पिता कुंभकर्ण और अपने कुल का बदला लेने के लिए भगवान श्री राम से युद्ध करना अनिवार्य समझा। कितना शक्तिशाली था मुल्कासुर, जिसे भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी हनुमान भी परास्त नहीं कर पाए थे।